सो गाइज, आज हम जो HTML का फुल कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, और आज जलग ये वीडियो फुल एक ही शॉट में पूरा मैं निपटा दूंगा, ठीक है। और आज HTML कोर्स पूरा कंप्लीट आपका हो जाएगा, और मैं एक भी ब्रेक नहीं लूंगा, ठीक है। कोई एडिटिंग नहीं है इस वीडियो में, और चलिए देखते हैं आज कैसे निपटता है। तो यहाँ पे मैं इंटरेस्ट स्टार्ट करने वाला हूँ HTML। HTML का सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, HTML का फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसको हम कहते हैं, ठीक है। और HTML का किसी भी वेबसाइट को पढ़ने से पहले हमें उसका यदि ऑब्जेक्टिव पता हो जाए तो एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ रहती है, क्योंकि किसी का ऑब्जेक्टिव ना हमें पता हो, यानी कि उद्देश्य ना पता हो, ऐसे ही धड़ल्ले से घुस जाएँ तो फिर ये ठीक बात नहीं है। तो HTML का यदि बात करें तो ये जो वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट, कोई भी डेवलपमेंट में जो ढांचा एक आप देखते हो, जो वेबसाइट का ढांचा होता है, स्केलेटन होता है, उसी का जो डिजाइन तैयार करने का कार्य जो होता है वो HTML करता है, ठीक है। तो आज हम सारा कुछ प्रैक्टिकल लाइव करके देखेंगे, और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये सबलाइम टेस्ट आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए, हम सबलाइम पे ही काम करने वाले हैं। हालांकि कई जगह पे आप काम कर सकते हो, नोटपैड पे भी कर सकते हो, लेकिन हम जो है सबलाइम पे काम करने वाले हैं, क्योंकि मुझे ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर लगता है। इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, सिंपल से आपको यहाँ पे जाना है, न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद फोल्डर पे क्लिक कर लेना है, उसके बाद HTML रूट फोल्डर आपको क्रिएट कर लेना है। तो HTML रूट फोल्डर क्लिक क्रिएट करने के बाद आपको सबलाइम टेस्ट ओपन कर लेना है। सबलाइम टेस्ट ओपन करने के बाद, ठीक है, ये इस तरह से आपके सामने HTML रूट फोल्डर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको इसे क्लिक कर देना है और न्यू फाइल पे आपको क्लिक कर देना है। न्यू फाइल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो है इसका नाम जो है देना पड़ेगा। सेव पे आपको क्लिक कर देना है, और सेव पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ, तो इसका नाम मैं sarad.html कर देता हूँ। तो sarad.html मैंने कर दिया, और उसके बाद सेव कर देता हूँ। तो ये जो फाइल है वो आप देख सकते हो कि HTML रूट फोल्डर के अंतर्गत एक फाइल बन चुकी है sarad.html नाम से। अब आपको यहाँ पे जाना है अपनी मेमोरी में, और डेस्कटॉप में चले जाना है। HTML रूट फोल्डर पर जैसे आप क्लिक करोगे तो सरद के नाम की एक फाइल बन चुकी है। यहीं पे आपको जा करके एक न्यू फोल्डर और आपको बना लेना है, जिसमें आप अपनी इमेज रख लीजिए। क्यों मैं रखवा रहा हूँ आपको पता चल जाएगा। इमेजेस नाम से मैंने एक फोल्डर और बना लिया उसी रूट फोल्डर के अंतर्गत, और उसके बाद मैं कोई यहाँ से एक रैंडम इमेज यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसको मैंने कॉपी किया इमेज को, और अपने जो HTML रूट फोल्डर है इसमें जा करके इमेजेस वाले में इस इमेज को पेस्ट कर देता हूँ। तो एक इमेज हमने रख ली है, और इसका नाम भी हम दे देते हैं इमेज, ठीक है। मैं क्यों करवा रहा हूँ आपको सब आगे पता चल जाएगा। तो इमेज नाम मैंने इसका रख दिया, ठीक है। नामकरण भी सरल कर लेते हैं पहले से ही, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब देखिए जो फाइल है अपनी बन चुकी है sarad.html, और आप देखोगे कि यहाँ पर जो है इमेजेस से भी एक बन चुका है। तो अब चलिए अपना काम करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो काम करना स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा जूम इसको हम कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहला अपना जो लिखेंगे हम स्केलेटन इसका समझने का प्रयास करेंगे। HTML देखिएगा, आपको लिखना है HTML, डॉट लगाना है और टैब प्रेस कर देना है, ठीक है। डॉट नहीं लगाना है, बस आपको HTML, और जैसे ही आप टैब बटन अपने उसमें दाबोगे जो कीबोर्ड है, आपके सामने इस तरह से लिखकर आ जाएगा। घबराइएगा मत, मैं आपको बताता हूँ ये दरअसल है क्या। ये दरअसल जो है HTML का स्केलेटन है, ढांचा है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए है क्या, ये जो पहली लाइन है यहाँ पे ये इंडिकेट करती है किस वर्जन का ये जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल की हो, किस वर्जन में आप काम कर रहे हो HTML में, इस चीज की जानकारी हमें ये देती है। और इस ढांचा से आपको कोई मतलब नहीं, आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो इसके अंतर्गत आप लिखोगे, मैंने क्या कहा, ये जो हेड है ना, ये हेड और ये हेड के बीच में जो लिखा जाएगा वो आपका वेब पेज पे शो नहीं होगा। अभी वेब पेज क्या होता है मैं आपको अभी बता दूंगा, तो अभी टेंशन नहीं लेने का। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, और इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है इसके बीच से, ठीक है। जो कोडिंग होगी वो यहाँ पे लिखी जाएगी, और जो कोडिंग यहाँ पे लिखी जाएगी वो कभी भी आपके वेब पेज पे शो नहीं होगी। यहाँ पे जो है मेन काम होगा वो हमें टाइटल देने का काम किया जाएगा। जैसे टाइटल देने की यदि बात छिड़ी गई है तो मैं आपको बता दूं, जैसे इनोवेट इंडिया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे टाइटल लिख दिया, देखिए ये
अभी जब आपको धीरे धीरे थोड़ा वीडियो आप आगे देखोगे तो आपको सरल लगने लगेगा, इसमें कोई भी बड़ा वो नहीं बहुकाल है। तो यहाँ पे देखो सामने कोडिंग लिखी हुई है, मैंने बस टाइटल दिया है, यानी कि जब आप हेड के अंतर्गत जो भी लिखोगे तो वो जो है जो भी हेड के अंतर्गत आप लिखोगे वो जो है आपका शो नहीं करेगा वेब पेज पे, ठीक है। तो ये हेड हेड के अंतर्गत जो भी आपने लिखा वो कहाँ शो करेगा, वो सिर्फ आपका टाइटल शो करेगा जो मैंने इनोवेट इंडिया यहाँ पे दिया है। अब चलिए इसको रन करवा के देख लेते हैं। रन करवाने से पूर्व मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कंट्रोल एस दाब करके ये जो भी आप कोडिंग को रन करवाने जा रहे हो उसको सेव कर लो, कंट्रोल एस, फिर हम इसको रन करेंगे। रन करने का तरीका क्या होगा, हम अपनी फाइल पे जाएंगे, फाइल के रन पे जाने के बाद अपनी जहाँ पे HTML रूट फोल्डर खोलेंगे और शरद के नाम से इसको हम ओपन कर लेंगे। तो ये हमारी एक जो है जो फोल्डर है वो हमारा चल गया। यदि आपको यहाँ पे ना दिखाई पड़ रहा हो तो मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे देखिए परिवर्तन हुआ क्या है। परिवर्तन यहाँ पे ये हुआ है कि ऊपर यदि आप देखोगे तो ये जो इनोवेट इंडिया जो हमारा टाइटल है ऊपर शो कर रहा है। देखो यदि आप देख पा रहे हो कैसे भी तो देखना कर, ठीक है। तो ये जो टाइटल है ऊपर लग चुका है, ठीक है, जो आपको वेब पेज के ऊपर दिखता है, यानी कि वेब पेज अभी भी खाली एकदम, ठीक है। तो उसको अभी हम डिजाइन करेंगे, वो बाद में करेंगे, लेकिन हमें सबसे पहले आपको क्या बताया कि हेड हेड के अंतर्गत आप जो भी लिखोगे वो अभी आपका जो है वेब पेज पे नहीं आएगा, शो नहीं करेगा, ठीक है। वो सीक्रेट कोडिंग आपकी ऐसे ही रहेगी और टाइटल जो आप दोगे वो आपको वेब पेज के ऊपर शो कर जाएगा, जो भी आप टाइटल दोगे। टाइटल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, गूगल अपने जो सर्च इंजन का काम करता है वो टाइटल के आधार पे ही करता है, कोई भी रिजल्ट को दिखाता है टाइटल को उठा करके दिखाता है। इसलिए टाइटल हमेशा एक अच्छा टाइटल दें और हेडिंग भी एक अच्छी हेडिंग दें, क्योंकि जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO है वो इसी तर्ज पे काम करता है, ध्यान रखें इस बात को। नेक्स्ट की बात करते हैं बॉडी। तो बॉडी का मतलब ये होता है कि बॉडी में आप जो भी दोगे वो आपका काम दिखाएगा कहाँ पे, वो दिखाएगा आपके वेब पेज पे, यानी कि ये जो अभी बिल्कुल एकदम सिंपल प्लेन डरा हुआ है इस पे दिखाएगा आपका बॉडी के अंतर्गत। मतलब इसका क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो हेड है हेड के अंदर आप जो लिखोगे वो शो नहीं करेगा, ठीक है, बस टाइटल आप दे सकते हो, ठीक है, मेन चीज देखा जाए इसी हेड में, लेकिन असली जो हमारा काम होता है वो बॉडी के अंतर्गत किया जाता है। जो बॉडी के अंतर्गत हम लिखेंगे वो जो है हमारा वेब पेज पे शो कर जाएगा। तो चलिए स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग करें उससे पहले हम आपको कुछ यहाँ पे जो मेन चीज है किसी भी लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं। तो अभी मैं ऐसे ही रैंडम लिख रहा हूँ, तो अभी आप ये बात सोचिएगा कि अभी मुझे को समझ नहीं आ रहा है, ये बड़े बड़े लिखना स्टार्ट कर दिया। तो मेरा बस ये लिखने का उद्देश्य बस कुछ मैं जब आपको बताना है स्टार्टिंग में, ठीक है, तो वही मैं बता रहा हूँ। तो वो आप समझिएगा कि मैं ये बता रहा हूँ, तो मुझे बस लिख लेने दीजिए। और यहाँ पे जो है मैंने लिख लिया। तो यहाँ पे एक चीज आप समझ लीजिए कि इसमें दरअसल ये जो आपने कई बार शब्द सुने होंगे एट्रीब्यूट एलिमेंट टैग, इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो वही चीज मैं कॉन्सेप्ट आपका एनाटॉमी जो HTML की है वो मैं आपकी क्लियर करने जा रहा हूँ। टैग देखिए क्या होता है, टैग उसको कहते हैं जब जैसे मान लीजिए आप जो HTML है, HTML यदि कहा जाए तो पूरा टैग का ही खेल है, ठीक है। टैग का मैं आपको बता दूं, ये जैसे मान लीजिए मैंने एक टैग लगाया, ये BR टैग है जिसका काम ब्रेक करना होता है, ये टैग है BR टैग, ठीक है। यदि ये देखिए कोई भी जो टैग है इसमें वो इज लेसर और इज ग्रेटर से बनाया जाता है, ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता दूंगा। इधर चल स्टार्टिंग है, मैं आपको एनाटॉमी जो जो बेसिक चीज है वो क्लियर कर रहा हूँ HTML की। टैग और एलिमेंट में फर्क बस इतना होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक पूरी लाइन लिखी हुई है, तो इस पूरी लाइन को हम कहते हैं एलिमेंट, क्या कहते हैं एलिमेंट। बात करें टैग की, तो टैग अगर ये जो आसपास हमने जो एरो जैसे लगा दिए हैं, दरअसल इनको एरो क्या मतलब लेसर और ग्रेटर का एक चिन्ह है, सिंबल है, वो जब हम लगा देते हैं तो इसको हम कहते हैं टैग। तो यदि हम बात करें इस लाइन में, तो उसमें जो एलिमेंट है वो एक एलिमेंट है, पूरी लाइन को हम एलिमेंट कहते हैं। टैग की बात करें तो टैग इसमें एक ही है, यही जो एक टैग जो होता है इसी को ओपन किया जाता है, और यहाँ पे देखिए ओपन हुआ है और यहाँ पे देखिए क्लोज हो गया है। एक बार टैग को ओपन किया जाता है, एक को क्लोज, एक बार क्लोज किया जाता है, जबकि कोई टैग ऐसा भी होता है जो बस ओपन होता है और क्लोज उसको नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। अच्छा, एलिमेंट वैसे भी हम कहते हैं, जैसे मान लीजिए BR एक टैग था, यदि इसमें हम ये ग्रेटर और लेसर का चिन्ह ना लगा करके हम ऐसे कहें कि हमने BR का यूज किया है, तो हम इसको कह सकते हैं कि हमने BR एलिमेंट का यूज किया है। मेजर डिफरेंस आप समझिएगा कि यहाँ पे हमने जो इस ग्रेटर और जो लेसर का चिन्ह है वो अगर हम ना लगाएं तो इसको भी हम एलिमेंट
कह सकते हैं, ये बेसिक आपको मैं छोटा सा अंतर बता रहा हूं, इसको हम टैग तब कहेंगे जब इसमें हम ये चिन्ह लगा दें, और ये चिन्ह अगर हम ना लगाएं तो उसको हम एलिमेंट भी कह सकते हैं। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया, हम एलिमेंट पूरी लाइन को भी कहते हैं। बात आती है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है, एक टैग में ये थोड़ा आगे जोड़ दिया जाता है जिससे इसको और डायरेक्शन दी जा सकती है और भी ज्यादा चीजें बताई जा सकती हैं, तो इसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। जैसे ए में मैंने एच हाइपर रेफरेंस लगा दिया तो ये दरअसल एट्रीब्यूट कहलाता है, ठीक है, ये एट्रीब्यूट है, तो ये मैं आपको बता रहा हूं। वहीं पर बात करें तो इसको हम कॉन्टेंट कहते हैं, जो आपके स्क्रीन पर शो होता है उसको हम कॉन्टेंट कहते हैं, समझ गए। ये हमारा यू आर एल कहलाता है, तो अब आप क्लियर हो गए होगे, इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट, जो थोड़ा आगे लगा दे। एनाटॉमी आपकी एचटीएमएल की क्लियर हो गई होगी, मैं समझता हूँ। एलिमेंट समझ गए होगे, टैग समझ गए होगे, एट्रीब्यूट समझ गए होगे, कंटेंट समझ गए होगे, क्लियर। अब चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं अपना पहला बवाल। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हेडिंग बना लेते हैं। देखिए एफ वन से लेकर के सबसे पहले देखिए, पहला हम अपना प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, तो पहला लिख लेते हैं वेलकम टू। अभी मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, देखिए वीडियो देखते रहिए, मुझे भी पता है कि आपके नहीं समझ आ रहा होगा तो समझ आ जाएगा। मैं बस आपकी एनाटॉमी जो थी वो क्लियर कर रहा था, मेरा ये अभी बताने का प्रयास नहीं था, तो अब मैं जो बता रहा हूँ वो समझिए। वेलकम टू इनोवेट इंडिया, और यहाँ पे मैंने क्या किया एच वन, तो ये देखिए मैंने एक टैग यूज किया है जिसका नाम है एच वन। एच वन टैग का हमने यूज किया है और उसी को मैंने यहाँ पे क्लोज किया है। अच्छा, कोई भी जो टैग है उसको ओपन इस तरह से किया जाता है, उसको क्लोज जो है ये स्लैश का चिन्ह लगा करके क्लोज कर दिया जाता है। यदि आप ये देखें तो ये स्लैश का चिन्ह है, ये देखिए इसको एलिमेंट, कोई भी टैग है उसको क्लोज जरूर किया जाता है, यदि क्लोज नहीं करोगे तो रन नहीं करेगा। हालांकि कुछ इसके अपवाद भी एक्सेप्शन भी है, उनको भी मैं बाद में बताऊंगा। तो ये जो है पहला हमने हेडिंग देखा कि एचटीएमएल में हेडिंग किस तरह से दी जाती है। हेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हेडिंग पर ही काम करता है। कोई भी यदि माजरा उठाना होता है किसी भी वेबसाइट के कंटेंट से, वो हेडिंग को ही सबसे पहले फोकस करता है, इसलिए हेडिंग का काम हेडिंग में ही करें, ज्यादा अपनी तरफ से अकल ना बढ़ाएं, वरना आपकी जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन में अच्छे से नहीं दौड़ेगी। मैं पहले बता देता हूँ, जो चीज जिसके लिए बनाई गई है उसी के लिए यूज करें, वरना आप देखोगे आगे चलकर कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती जिससे आप वो काम कर सकते थे लेकिन उसके लिए अलग से डिफाइन किया गया, तो जिसके लिए जो चीज बनाई गई है उसी का उपयोग करें, अन्यथा आपकी वेबसाइट रन नहीं करेगी। मैं पहले ही बता देता हूँ, अच्छे से आपकी सर्च इंजन में नहीं आती है, यही दरअसल बहुत से लोग गलती कर देते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमने पहले सबसे पहली शुरुआत की है हेडिंग से। एच वन टैग जो है वो हेडिंग के लिए डिफाइन किया गया है। एच वन टैग हमने देखिए यहाँ पे ओपन किया, ओपन करने का तरीका ये होता है, फिर हमने इसके अंतर्गत कंटेंट लिखा वेलकम टू इनोवेट इंडिया, फिर हमने इस टैग को क्लोज किया, क्लोज करना जरूरी होता है। अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या कैसा मतलब माजरा लग रहा है। तो चलिए सारे हेडिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एच टी एम एल में हेडिंग की यदि बात करें तो छह तरीके की हेडिंग होती है, तो छो की मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। दरअसल इनको याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा जो भी पॉइंट मैं यहाँ पे बताता जाऊँ सबको नोट करते जाओ। और देखिए चार मैं बता चुका हूँ, और देखिए अभी मैं इसको रन भी करवाऊंगा तो आपके और पल्ले से पड़ जाएगा। तो इसको भी मैंने अब यहाँ पे सबका मैं एक बारी बारी से नाम दे देता हूँ। ये एच टू हेडिंग हो गई, ये देखिए फर्क होता है सब में, ये एच थ्री हो गई, ये एच फोर हो गई, ये एच फाइव हो गई, ये एच सिक्स हो गई, ठीक है, ये लास्ट वाली एक एक्स्ट्रा आ गई तो इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। तो यहाँ पे एच सिक्स रख दे दी। अच्छा देखिए यहाँ पे भी आपको चेंज करना पड़ेगा, ये नहीं कि ऊपर बस कर दिए बस काम खत्म। तो एच फोर, एच फोर, एच फोर और एच फाइव, एच सिक्स। अच्छा देखिएगा अब इससे परिवर्तन क्या होगा। हेडिंग जो है वो छह तरीके की होती है, मैंने एच वन, एच टू, एच थ्री, एच फोर, एच फाइव, एच सिक्स से टैग लगाए और सबकी हेडिंग का कॉन्टेंट के साथ लिखा। आप देखें इसमें फर्क क्या होता है जब ये प्रिंट होगा कैसा लगेगा। तो अपने ब्राउजर, और इसको मैं देखिए इससे पहले कुछ भी नहीं है, ये मैंने रन किया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक फर्क देखने को मिल रहा होगा। जो एच वन जिसका नाम मैंने दिया था, तो इसको देखिए जूम जो कुछ ज्यादा ही है तो 150 पे ले आते हैं, मतलब ये देखिए विदाउट जूम है अब। तो आपने यहाँ पे एक फर्क देखा होगा, क्या फर्क देखा है कि यहाँ पे एच वन से जो हमने दिया था वो टेक्स्ट जो है काफी बड़ा आ चुका है, एच टू से जो हमने टेक्स्ट दिया है वो थोड़ा छोटा है, एच थ्री से उससे छोटा है, एच फोर से उससे छोटा है, एच सिक्स, एच फाइव से उससे छोटा है। इससे अंतर समझ गए होंगे, देख रहे होंगे, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दूसरा टैग यूज करने वाले हैं जिसका नाम है प्री। प्री जैसा कि आप नाम ही समझ गए होंगे, यानी कि कुछ माजरा पहले से ही। अच्छा प्री का यूज क्या होता है, प्री का यूज ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ
इनोवेट इंडिया लिखना, और प्री टैग को हम बंद कर देते हैं, ये मैंने बंद कर दिया। इसको रन करके देख लेते हैं पहले एक बार। तो ये मैं रन किया तो इनोवेट इंडिया आपके सामने प्रिंट हो गया। अच्छा मैं इसमें क्या करूं कि इनोवेट इंडिया को थोड़ा ऐसे कर दूं, ले जी हमने जो स्पेस है वो कुछ ज़्यादा ही दे दिया है, हद से ज़्यादा। अब इसको रन करते हैं, कोई परिवर्तन हुआ? हो गया। दरअसल यदि यहीं पे हम लेते, क्या लेते? पैराग्राफ। क्या लेते? पैराग्राफ। देखिए पी जो है पैराग्राफ का हमने यूज किया, और यहीं पे पी को हम क्लोज भी कर देते हैं। तो ये हमने पैराग्राफ के अंतर्गत इनोवेट इंडिया लिखा। तो आपने क्या देखा, हमने एक पैराग्राफ जो ये जो एलिमेंट मैंने टैग जो मैंने यूज किया है वो पैराग्राफ का यूज किया। जब भी हम कोई पैराग्राफ जो है एचटीएमएल में देते हैं तो वो जो है पी के अंतर्गत हम देते हैं, पी टैग का यूज किया जाता है, उसी को मैंने यहाँ पे क्लोज किया। और हमने उसके अंतर्गत एक पैराग्राफ पास किया जिसका नाम कंटेंट में मैंने दिया इनोवेट इंडिया। हमने क्या किया, इसको मान लीजिए हम पास पास कर दें, तो पास पास मैंने कर दिया, सेव किया, क्या हुआ, इनोवेट इंडिया प्रिंट हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि ये थोड़ा दूर दूर रहे, लेकिन ऐसा ये अलाउ हमें नहीं करने देगा। देखो काई नहीं करने देगा, लो ये तो वही बना रहा, इसने तो दूर किया ही नहीं। इस समस्या का समाधान है प्री टैग, जो क्या करता है, जैसा आप दूर करोगे वैसे ही ये दूर कर देगा। ये देखिए होता है प्री टैग का कमाल, हेडिंग में भी हो जाता है, मैं आपको बता दूं अभी, देखिए। ठीक है, तो प्री टैग का काम क्या है कि किसी भी चीज को यदि आप दूर दूर करना चाहते हो लेकिन पैराग्राफ टैग हमें अलाउ नहीं करता है, उसी चीज का समाधान हमारा प्री टैग दे देता है। अच्छा ये चीज आपने देखी होगी कि ये हेडिंग में भी ये काम हो जाता है, लेकिन जो काम मैं जैसे कि पहले भी कह चुका हूँ स्टार्टिंग में, मैंने वीडियो में कहा था जिस जो काम जिसके लिए दिया गया वही काम उसी से करें, प्री टैग का यूज करें। अब देखिए हेडिंग में भी ये काम कर देता है, लेकिन देखिए हेडिंग में भी हेडिंग जो है उसमें ये काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो, हालांकि उस समय कुछ गड़बड़ था। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि प्री टैग का यूज जो है आप कर सकते हो किसी भी चीज को दूर दूर करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया प्री टैग। अच्छा नेक्स्ट टैग हम यहाँ पे देख लेते हैं, नेक्स्ट टैग है हमारा ब्लॉक कोट। ब्लॉक कोट क्या नाम है, ब्लॉक कोट, और इसका काम क्या होता है, ये देखिए ब्लॉक कोट मैंने लिख दिया। तो इसका काम है कि कोई कोट आप देते हो, कोट का मतलब मैं कोट का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कोट यानी कि बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिख देता हूँ, ठीक है, चेंज विल नॉट, थोड़ा लंबा लिखते हैं कोई कोट, और कोट या गूगल करो जा करके। ठीक है, कोट कोट का मतलब ये होता है कोई अच्छी बात, और वन तो मैं एक कोट लिख रहा हूँ, वन इफ वी वेट फॉर समवन सम अदर और पर्सन, सम अदर पर्सन और सम अदर टाइम टाइम वी आर द वंस वी आर द वंस वी आर द वंस वी हैव बीन वेटिंग फॉर वी आर द चेंज दैट वी सीक वी सीक। ध्यान रहे, क्या ध्यान रहे कि यहाँ पे जो है कोटेशन मार्क लगा रहना चाहिए, कोट का किसी भी प्रतीक करने का ये होता है कोटेशन मार्क। हमने एक कोट लिखा, फिर हम नाम बताएंगे कि कोट जो है वो किसका है, तो ये है बराक ओबामा का। ठीक है, बराक ओबामा मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इसका देखिए काम क्या है, इस कोट ये जो टैग है इसका काम ये है कि ब्लॉक कोट जब भी आप लगाते हो और उसके अंतर्गत कोई भी आप कोट लिखते हो, ठीक है, कोई भी अच्छी बात आप लिखते हो कोट लिखते हो, तो देखिए कोट मैंने जो ब्लॉक कोट है उसको बंद भी किया है, और देखिए कोट का जो ये है आपको लगाना ही पड़ेगा तभी ये कोट। इसमें फर्क बस इतना होता है कि ये जो है आपको जो है एक सुविधा देता है, जैसे यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ
और ये देखिए इसमें आपने क्या फर्क देखा, इसमें हमने फर्क देखा कि एक कोट लिख चुका है स्क्रीन पर, जिसमें यदि आप देखेंगे तो इंडियन टेंशन प्रोवाइड किया गया है। यदि आप स्क्रीन के लेफ्ट और राइट में देखेंगे तो ये दीवार से चिपका हुआ नहीं है, थोड़ी बहुत जिसने जो जगह है वो आसपास मेंटेन करके रखी हुई है। इसीलिए हम ब्लॉक कोट का यूज करते हैं किसी भी कोट को लिखने के लिए, खास करिए लॉन्ग कोट को दिखाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है ब्लॉक कोट। छोटा जब कोट होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्यू का, काय का, क्यू। तो हम यहाँ पे एक टैग बना लेते, टैग लिख लेते हैं क्यू, और इसको बंद भी कर देते हैं। और दरअसल जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि इसमें जो है छोटा कोट लिखा जाता है, तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, क्यू से कोट बनाया, ठीक है, क्यू एलिमेंट का उपयोग किया, सॉरी क्यू टैग का मैंने उपयोग किया, उसको बंद भी कर दिया, और उसके अंतर्गत मैं कोट लिख देता हूँ। खास बात, इसमें आपको कोटेशन मार्क लगाने की जरूरत नहीं है, यह ऑलरेडी पहले से ही समझ जाता है। तो इसमें भी एक कोट लिख देते हैं, इफ यू वांट टू साइन लाइक अ सन फर्स्ट सन हाँ फर्स्ट बर्न लाइक अ सन, ठीक है। तो ये मैंने कोट लिखा, और उसके बाद यहाँ पे जो जिसने जिन्होंने कहा है उनका भी नाम यहाँ पे मेंशन कर देना है, APJ अब्दुल कलाम। तो यहाँ पे मैंने नाम भी लिख दिया, और जिन्होंने मतलब देखिए यहाँ पे एक चीज आप समझिए, इफ यू वांट टू साइन लाइक अ सन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन, तो यहाँ पे जो है मैंने किस टैग का यूज किया, क्यू टैग का यूज किया। ये दरअसल छोटे टैग को लिखने के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी खास बात यह होती है इसमें आपको कोटेशन मार्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, और चार्ज छोटे कोट को दिखाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए रन करके आप देखते हैं तो कितना अच्छे से यहाँ पे लिख के आ चुका है, उसमें कोटेशन मार्क ऑलरेडी लगा दिया जबकि हमने इसको नहीं दिया था। वी वांट टू साइन लाइक अ सन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब हम नेक्स्ट जो टैग है वो यूज करने वाले हैं ABBR टैग। ये ABBR टैग क्या होता है, ABBR हम लिखेंगे, और तो ABBR हमने लिखा, और इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ABBR को हमने ओपन किया, एक बार क्लोज किया। अब इसमें हम एक टाइटल देंगे, ये टाइटल क्या है, एक एट्रीब्यूट है, मैंने आपको शुरुआत में ही पढ़ा दिया था क्योंकि मुझे पता था यही चीज अभी आगे आएगी। हम इसमें क्या लिखेंगे, हाइपर टेक्स्ट। ये ABBR टैग का उपयोग ये दूसरा हिस्सा होता है, जैसे मान लीजिए HTML आ गया वहां पे आपको बताना है कि इसका फुल फॉर्म, तो आप यूज कर सकते हो ABBR टैग का, प्राइवेट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट देखिए मैंने ABBR टैग दिया, समझो बात को, ABBR टैग दिया, इसका ABBR टैग का टाइटल दिया, टाइटल के बाद मैंने जो उसका फुल फॉर्म था HTML का वो दिया, उसके बाद इस टैग को बंद कर दिया। अब उसके बीच में हम लिखेंगे कॉन्टेंट, जो हमारा जिसका हमें फुल फॉर्म यहाँ पे दिया है उसका नाम लिखो। फिर मैंने क्या किया, एज ABBR टैग को क्लोज कर दिया, इसको रन करवा के देखते हैं। तो यहाँ पे जब हम देखिए इससे पहले रन करवाते हैं, तो यहाँ पे एक चीज आप देखिएगा, जब मैं HTML पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक छोटा सा लिख कर आ रहा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपको क्लिक नहीं करना है, बस एरो आपको उसके ऊपर ले जाना है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिख करके आ गया है। तो ऐसे आप ABBR टैग का फुल फॉर्म बताने के लिए उपयोग कर सकते हो, ये ABBR टैग खत्म होता है। नेक्स्ट टैग की बात करते हैं, नेक्स्ट टैग हमारा है एड्रेस। क्या है एड्रेस, तो एड्रेस यहाँ पे मैंने दिया, और चलिए यहाँ पे ये एड्रेस के लिए खास तौर पे किया जाता है। और मैं आपको पहले ही बता दूं, एक टैग जिस काम के लिए जो टैग बना हुआ है उसी के लिए यदि उसका यूज किया जाए तो बेहतर रहता है ज्यादा। तो एड्रेस मैंने यहाँ पे दे दिया, अब मैं यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे देता हूँ। तो एड्रेस के लिए नाम दे देता हूं, नाम, एड्रेस में क्या होता है, नाम होता है, तो नाम मैंने अपना दे दिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक टैग का यूज करेंगे, ये एम्प्टी टैग होता है जिसका आप यूज कर सकते हो ब्रेक। ब्रेक का काम होता है कि लाइन को आपको ब्रेक करना है, जैसे मान लीजिए लाइन के नीचे जाना है तो आपको थोड़ी स्पेस चाहिए होती है ना, ऐसे मतलब एक ही में टच चले जा रहे हो तो ठीक नहीं है। तो BR टैग का यूज होता है, जिसका फुल फॉर्म यदि बात करें तो ब्रेक होता है, ठीक है, BR टैग का आप यूज कर सकते हो। ये जो है मैंने आपको जैसे कि पहले ही कहा, ये एक एक्सेप्शन है, इसमें आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस ऐसे आप BR कर दो, ऑलरेडी ये जो है एक स्पेस आपको नीचे ले जाता है, क्योंकि एक ही में आप ठांस दोगे तो फिर ठीक नहीं लगेगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एड्रेस की, तो एड्रेस यहाँ पे लिख देते हैं, तो ऐसे लिख देते हैं कानपुर नगर। तो यहाँ पे एड्रेस हमने लिख दिया,
और चाहो तो फोन नंबर लिख दो। तो फोन नंबर यहाँ पर लिख देते हैं, तो फोन नंबर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। और अभी देखिए रन नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे एक और हम रन कर जाएगा, लेकिन BR टैग एक और लगा दें ताकि सब एक ही में ना मतलब घुस जाए ना। तो हमने क्या किया, BR टैग लगा दिया ताकि एक ही में ना जाए। अब इसको हम सेव करेंगे और देखेंगे कि जो देखिए हमने एड्रेस एक टैग ओपन किया, एड्रेस टैग को क्लोज किया, हमने सबसे पहले नाम दिया, उसके बाद BR टैग लगाया ताकि उसके बाद एक थोड़ा स्पेस हो जाए, फिर एड्रेस दिया, एड्रेस के बाद हमने फिर इसको थोड़ा जगह दी, फिर फोन दिया। सेव करते हैं, रन करते हैं, देखें क्या होता है। रन तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एड्रेस हमारा कायदे कानून में लिख करके आ गया, और ये इटैलिक में लिख कर आता है, यानी कि तिरछा लिख करके आता है, तो टिंट कर देता है लाइन को, टिल्ट कर देता है सॉरी। तो यहाँ पे लाइन जो है इटैलिक हो जाती है। अब आप सोचोगे कि इसका तो हम इटैलिक का भी यूज कर सकते थे। मैं आपको बता रहा हूँ, जो काम जैसा हो जिसके लिए दिया जाए वही करें, अदर अपनी बुद्धि ना लगाएं वरना काटा आप ही को होगा। तो हमने एड्रेस टैग का यूज करना सीखा। नेक्स्ट टैग की बात करें तो नेक्स्ट टैग जो यहाँ पे है वो है साइट। साइट का मतलब यदि हिंदी में समझें तो उद्धृत करना होता है, ठीक है। तो साइट टैग हमने ओपन किया, साइट टैग हमने क्लोज किया, साइट क्लोज किया। अब इसके अंतर्गत हम कंटेंट लिखते हैं। कंटेंट में क्या लिखा है, साइट का दरअसल योग जो होता है, जैसे मान लीजिए आपको कोई जगह स्पेसिफिक दिखानी है अपने वेब पेज में कि ये अलग से दिखे, तो उसको आप क्या करोगे, इटैलिक कर दोगे, तो वही साइट का उपयोग है। अब आप कहोगे ये तो हम एड्रेस से भी कर सकते थे। मैं आपसे फिर भी वही चीज एक बार दोहरा रहा हूँ कि HTML में आपको ऐसे बहुत से टैग लगेंगे जिससे आपको लगेगा कि ये काम तो इसी इस टैग से भी हो सकता था, लेकिन जिस काम के लिए जिस टैग बना हुआ है उसी का उपयोग करें, ठीक है। तो साइट मैंने लिखा, तो चलिए साइट टैग का कंटेंट यहाँ पे लिख देते हैं। तो और यहाँ पे हम क्या करते हैं, बुक का नाम लिख मतलब एन इंक्वायरी, आपने यदि पढ़ी हो मतलब पढ़ी गई होगी, आपने अक्सर तो सुना होगा, एन इंक्वायरी इंटू द नेचर एंड काजेज ऑफ द वेल्थ, ऑफ द वेल्थ, तो राष्ट्रों के धन के, छोड़ो आई मीन हाँ, तो एन इंक्वायरी इंटू द नेचर एंड काजेज ऑफ द वेल्थ। और ये किसने लिखी थी, तो ये स्कॉटिश फिलोसफर एंड इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ। तो इनका नाम भी हम यहाँ पे साइटेड कर देते, उद्धृत कर देते हैं, एडम स्मिथ। तो इसमें होगा क्या होगा, बस ये होगा कि इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ जो बुक का नाम है वो जो है वो जो है उत्तीर्ण हो जाएगा, मतलब अलग से दिखेगा। तो साइट टैग का यूज दरअसल किसी भी चीज को स्पेसिफिक दिखाने के लिए किया जाता है। उसके बाद एडम स्मिथ मैंने नाम लिख दिया, सेव करते हैं, रन करते हैं, देखें कैसा लगता है। रन, और यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने जो है, यानी ये जो है तिरछी लिख करके आ गया, यही चीज होती है, ठीक है। और एडम स्मिथ जबकि अपना रेगुलर फॉन्ट में है, यानी कि कुछ भी उसमें चेंज नहीं हुआ एडम स्मिथ के जो नाम में, तो ये चीज ऐसे यूज की जाती है। वहीं भी बात करें, नेक्स्ट टैग हम यूज करने वाले हैं वीडियो। वीडियो का दरअसल काम होता है वीडियो, वीडियो को यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट भी यूज करने वाले हैं जिसका नाम डायरेक्शन है। डायरेक्शन को डिर लिखेंगे, ठीक है, पूरा माजरा नहीं लिखेंगे, राइट टू लेफ्ट, हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे, कंटेंट को हम राइट टू लेफ्ट कर देंगे, माजरा ये है। तो यहाँ पे अपना नाम लिख लेते हैं, और ये देखिए जो नाम है वो उल्टा हो जाएगा, बस यही यूज है। तो वीडियो जो है ये एक टैग है, ये टैग देखिए इतना लंबा है, यहाँ पे देखिए मतलब देखिए वीडियो जो है वो टैग है, उसके बाद ये जो एट्रीब्यूट लगाया जाता है जो एक्स्ट्रा करिकुलम करने के लिए, और राइट टू लेफ्ट मैंने लिखा, और फिर मैंने कंटेंट यहाँ पे दिया, और फिर इस टैग को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। चलिए इसको देख लेते हैं कैसा लगता है देखने में, रन करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए जो ये है, इस तरह से कुछ शकल जो इसकी है, यानी कि उल्टा कर दिया है नाम को, सिंपल सा इसे मान लो। नेक्स्ट टैग की देखने वाले हैं, तो नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा टैग है, अब हम थोड़े जो है टेक्स्ट के लिए टैग देखेंगे, यानी कि किसी भी जो टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट को बहुत लोग समझ रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे होंगे क्योंकि कुछ लोग समझते हैं टेक्स्ट का मतलब कुछ अलग ही लेवल पे। टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी जो लिखा है कॉन्टेंट उसके साथ छेड़खानी करना, ये हमें टेक्स्ट पे हमें पता चलेगा। तो लिख लेते हैं टेक्स्ट, सबसे पहले कॉन्टेंट लिख लेते हैं, फिर इसी के साथ थोड़ा मैनिपुलेशन करते हैं। वेलकम टू इनोवेट, तो वहाँ पे हम थोड़ा टैक्स एक ही साथ में कई सारे टैक्स सीख लेंगे। तो
तो ये हमने कंटेंट लिख दिया, अब इसी पे ऑपरेशन चलाते हैं। तो हम बोल्ड करेंगे सबसे पहले इसको, ठीक है। ये देखिए बोल्ड का बी टैग बस यूज किया जाता है और ये जो है मोटा हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। लो रन, और यहाँ पे जो है ये देखिए बोल्ड हो जाएगा। तो आप कहोगे क्या इसमें बोल्ड हुआ, दरअसल बोल्ड इसमें हुआ होगा, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा। तो अब यहाँ पे हम दूसरा टैग यूज करने वाले हैं जिसका नाम है आई। आई का मतलब होता है इटैलिक। तो यहाँ पे आई का यूज करोगे तो ये तिरछा लिख जाएगा। तो यहाँ पे आई का हमने यूज कर लिया, तो ये जो है किसी भी टेक्स्ट को तिरछा कर देता है, टिल्ट कर देता है, देखिए तिरछा हो गया। और नेक्स्ट टैग जो हमारा है वो है स्मॉल। स्मॉल क्या होता है, जैसे इसको थोड़ा छोटा कर देगा, ठीक है। तो एक बार ओपन एक बार क्लोज, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिनको एक बस जिनको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो मैंने आपको बताता चलूंगा वीडियो में साथ में। जैसे एक ही अभी मैंने आपको बताया जिसका नाम था ब्रेक, जो सिर्फ ऐसे ही मतलब एक इस काम चल जाता है, उसको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमने स्मॉल टैग का यूज किया, देखिए इससे क्या होता है। ये देखिए इतना बड़ा लिखा था और ये देखिए थोड़ा छोटा हो गया होगा पिछले से मुकाबले। स्मॉल का काम ये होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट टैग है हमारा यू। यू का काम होता है अंडरलाइन करना, ठीक है। तो अंडरलाइन, तो यहाँ पे इसको हम सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद यहाँ पे इसको रन करते हैं तो ये अंडरलाइन कर देगा, कर दी, ठीक है। नेक्स्ट टैग देखते हैं, नेक्स्ट टैग है हमारा डिलीट। तो डी ई एल टैग का बस आपको यूज करना है, इसको क्लोज कर दो, डी ई एल क्लोज किया, सेव करते हैं, रन करते हैं, रन। और ये हमने यहाँ पे रन किया तो इसने जो है टेस्ट को काट दिया, डिलीट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा आई एन एस। आई एन एस की बात करें तो हमारा ये इंसर्ट कहलाता है, ठीक है। आई एन एस से मतलब जो है आई एन एस से जो हमारा मतलब है वो है इंसर्ट। रन रन, और ये जो है इसने दरअसल अंडरलाइन ही कर दी। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आपको बहुत सारे ऐसे टैग मिलेंगे जिनसे काम वही होता है, लेकिन मैं आपसे फिर वही चीज़ कहता हूँ कि जो काम जिस टैग का हो वही चीज़ करिएगा। फिर एक आता है टैग जिसका नाम होता है स्ट्रॉन्ग। ये थोड़ा टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग बना देता है, जैसा कि आप नाम से ही भौकालबाजी समझ रहे होंगे। तो स्ट्रॉन्ग सेप रन रन, ये देखिए बोल्ड कर दिया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कर दिया। नेक्स्ट की बात कर देते हैं सब। सब टेक्स्ट, सब जो है एक ये भी होता है सब, ठीक है। सब सब का दरअसल काम क्या होता है, जैसे आप ऐसे समझिए सब का काम क्या होता है। जैसे आपने यदि केमिस्ट्री पढ़ी होगी, केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो उसमें आपने सुना होगा C6H12O6 एथिल अल्कोहल, ये आपने पढ़ा होगा। तो उसमें C6 नीचे लगता है, जिसको हम कहते हैं सब स्क्रिप्ट में लगा है। जबकि हम मैथ्स में पढ़ते हैं 2 to the power 8, वो होता है सुपर स्क्रिप्ट। जबकि जो केमिस्ट्री में हम C6H12O6 आदि इत्यादि पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं सब स्क्रिप्ट में जो सिक्स जो है C6, वो हमारा सब स्क्रिप्ट का पार्ट होता है, वही है सब स्क्रिप्ट। तो सब टैग है, उसी का यूज करके आप इसका उपयोग कर सकते हो। तो ये सब में लिख जाता है, ठीक है। यदि आपको डिफरेंस नहीं समझ आ रहा होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये चीज आप ऐसे देखो, जैसे मैं आपको कैसे, तो यहाँ पे जाल मान लो, यहाँ मैं चलिए मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। जैसे C6 को आपको लिखना है तो ये लो, ऐसे होता है ना, लिख दिया देखो C6। तो ये है सब स्क्रिप्ट का काम। यहीं पे बात करें सुपर स्क्रिप्ट की, तो सुपर स्क्रिप्ट का काम होता है घात लगाना या फिर पावर लगाना। तो जैसे एक्स की पावर स्क्वायर आप लोग अक्सर तक पढ़ते होंगे, तो सुपर स्क्रिप्ट का यूज कर लो। जिसका हमें ऊपर लाना है, सुपर लाना है, करना है, घात लगाना है, उसको हम सब सुप टैग के अंतर्गत लिखेंगे, जिसका फुल फॉर्म सुपर स्क्रिप्ट। रन रन, और ये एक्स स्क्वायर लिख गया, समझ गया, बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने। नेक्स्ट की बात करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट हो गया, बात करते हैं ईएम की। ईएम और ईएम की जो यूज है वो एम्फेसाइज किसी को करने के लिए, तो ईएम को समझ लेते हैं। ईएम, तो ईएम हो गया। और देखते हैं इससे क्या होता है, और ईयर सेप, और ये जो है इसने इटैलिक कर दिया, ठीक है। तो ईएम का यूज ये होता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं डीएफएन। डीएफएन का मतलब होता है डिफाइन करने के लिए, डेफिनेशन देने के लिए किसी भी टेक्स्ट किसी भी की। तो डीएफएन का यूज देख लेते हैं। डीएफएन, डीएफएन के साथ एक एट्रीब्यूट भी लगेगा, टाइटल इसका दे देते हैं डीएफएन, कि जिसको हम डिफाइन करेंगे दरअसल उसी का फुल फॉर्म। जैसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, आप सब आपको भी मैंने एक अलग टैग से बताया था, लेकिन अब एक और टैग लो मिल गया जिसमें से हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको जो टैग है डीएफएन टैग को मैंने क्लोज किया टाइटल देने के बाद एट्रीब्यूट लगा करके हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर मैं इसके अंतर्गत कंटेंट लिखता हूँ जिसकी परिभाषा है, जिसकी डेफिनेशन है, तत्पश्चात मैं इस टैग को अंत बंद कर देता हूँ, रन करता हूँ, टैग ओपन किया, यहाँ से यहाँ पे रामायण लिखी, कॉन्टेंट एच टी एम एल लिखा, उसके बाद इस टैग को बंद कर दिया, रन करते हैं। रन करने पर रन हो गया, ये देखिए जो है जो है जो है लिख गया है, ठीक है। और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यहाँ पे इस तरह से आप जो है, यदि आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देख रहे होगे कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML पर लिख कर आ गया, ये इटैलिक में लिख कर आ गया है, ठीक है। इटैलिक में जो है आपका टेक्स्ट है, कंटेंट है, उस पर जब माउस को ले जाते हो तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिखा हुआ आता है। डेफिनेशन को दिखाने का तरीका यहाँ पे है। और नेक्स्ट टैग हम देख लेते हैं, तो नेक्स्ट टैग भी अब हम यहाँ पे तीन आपको ऐसे टैग बताने वाले हैं जिनको सिर्फ जिनको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिनके नाम है समझ लीजिए। तो पहला टैग हो गया BR ब्रेक, ये कभी भी क्लोज नहीं होता है, ठीक है। वही मैं आपको बता रहा था कि इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं जो 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 जो, जो हैं क्लोज नहीं होते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पे जो है कुछ गड़बड़ हो गया है, तो इसको हाँ ठीक है अब ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वो टैग समझ लीजिए जिन जो कभी बंद नहीं होते हैं, तो एक BR टैग हो गया ये है यार, तो एक BR टैग हो गया। और दूसरा यदि मैं आपको बताऊं तो दूसरा है HR टैग। HR टैग का काम होता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रा कर देना, HR टैग का काम होता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो हॉरिजॉन्टल का HR टैग का काम होता है, ये देखिए लाइन एक ड्रा कर दी इसने हॉरिजॉन्टल, तो ये HR टैग का काम होता है, ठीक है। वहीं पर तीसरे एक टैग की बात करें, इन टैग जो है जो इनको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपने देखा होगा कई सारे टैग को मैंने क्लोज किया लेकिन इनको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उन्हीं की श्रेणी में एक और टैग आता है जिसका नाम है इमेज, ठीक है, इसको भी क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी डिटेल में इसको पढ़ेंगे लेकिन आप समझ लीजिए कि ये जो मैंने आपको तीन टैग बताए, एक BR टैग, एक HR टैग। BR टैग का काम होता है ब्रेक करना, यानी कि जब आप कोई चीज लिख लेते हो थोड़ा स्पेस चाहते हो तो BR टैग का यूज करते हो। HR टैग का काम होता है हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रा करना। इमेज का काम होता है इमेज को इंपोर्ट करना, इंपोर्ट इमेज को लगाना। तो ये जो तीनों टैग हैं इनको हम एम्प्टी टैग, सेल्फ क्लोजिंग टैग या मतलब हाँ एम्प्टी टैग या सेल्फ क्लोजिंग टैग कहते हैं, जिनको कभी भी हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक बार लगता है। समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्पैन टैग का काम। देखिए काम देखिए देख लीजिए, स्टाइल स्टाइल पे क्लिक, स्टाइल लिखा और यहाँ पे कलर कलर और कलर कलर इसका दे देती है। देखिए स्टाइल मैंने स्पैन टैग का यूज किया, स्टाइल एट्रीब्यूट लगाया, बराबर लगाया, कलर इसका दे दो, कलर देने के बाद कलर जो भी देना हो ब्लू दे देते हैं और इस टैग को बंद कर देते हैं सबसे पहले इसे, और फिर यहाँ पे जो इसका कंटेंट वो दे देते हैं अंदर का जिसको हमें ब्लू करना है। तो ठीक है अब इस टैग को बंद कर देते हैं क्योंकि खोल तो पहले चुके थे। तो यहाँ से यहाँ तक पहला टैग था जहाँ पे रामायण जो लिखनी थी वो यहाँ तक लिखी, ठीक है। स्पैन लिखा, एट्रीब्यूट स्टाइल लगाया स्टाइल देने के लिए, कलर ब्लू लिखा, फिर कंटेंट लिखा जिसके साथ कुछ करना है, और उसके बाद इस टैग को बंद कर दिया। स्पैन टैग का कमाल देखिए, रन करता हूँ और यहाँ पे मैंने रन किया तो यहाँ पे देख लीजिए जो नीला है नीला नीला हो गया, ठीक है, ये हो गया स्पैन टैग। अब हम देखेंगे क्या कौन सा टैग, इमेज टैग। इमेज टैग का काम होता है किसी भी इमेज को जो है इंपोर्ट करना और लगाना, इमेज टैग।
चूंकि ये क्लोज नहीं होता, अभी मैंने आपको पढ़ाया तो इतना तो आपको भी याद ही होगा, हर चीज़ को नोट करते रहिए। तो चलिए इमेज देखिए कैसे इस वेब पेज में लगाई जाती है वो समझिए समझिए। इमेज मैंने IMG SRC, SRC का मतलब सोर्स। अब सोर्स यहाँ पे देना पड़ेगा, तो सोर्स दे दिया, ठीक है अभी नहीं दिया है तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सोर्स देखिए कैसे मिलेगा, तो देखिए जो मैंने इमेज आपसे इंपोर्ट करवाई थी वो इमेज का जो एड्रेस है वो है image.jpg, आप ऊपर देख सकते हो image.jpg से, image.jpg इसका सोर्स है। तो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे .image.slash लगा लेना है, इमेज लगा लेना है, फिर स्लैश लगा देना है, अब आपको एड्रेस देना है। तो एड्रेस है हमारा image.jpg, ठीक है। और लगाने के पश्चात तत्पश्चात हम यहाँ पे अल्टर का यूज करेंगे, क्या काई का यूज करेंगे, अल्टर। अल्टर का मतलब ये होता है कि यदि मान लो किसी वजह से, किसी कारणवश सर्वर में एरर, वेबसाइट में एरर, नेटवर्क में एरर आए, वेबसाइट जो इमेज अगर किसी परेशानी बस लोड ना हो पाए तो बता दे कि जो जो है अभी लोड नहीं हो पा रही किसी कारणवश, तो ये अल्टर का यूज किया जाता है। जब ना शो करे इमेज किसी कारणवश तो अल्टर से बता तो दो, यूजर को काई नहीं आ रही, पता चला कि आपने उसमें पासवर्ड भरा, वो बता ही नहीं रहेगा पासवर्ड सही है कि गलत है, गलत है तो चुप बैठा, तो ये तो बात ठीक नहीं हुई। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अल्टर में एरर, कि जब भी ऐसा कोई कुछ हो तो एरर बता दे यूजर को, मतलब यूजर परेशान ना हो। ये चीज़ एक अच्छी वेबसाइट बनाने में हेल्प करती है कि आप यूजर को परेशान नहीं कर रहे हो, मतलब बता दे रहे हो कि हाँ किसी कारणवश नहीं आ रही है, अब पता चला यूजर वहाँ पे बैठा मुंह फैलाए कि हाँ लोड हो रही है, अब लोड हो रही है, वहाँ पे लोड ही नहीं हो रही। तो अल्टर का यूज दरअसल इसलिए किया जाता है, अल्ट इज इक्वल टू मैंने एरर लिख दिया, किसी कारणवश यदि ना लोड हो तो ये दिखा दे। वहीं पे इसकी इमेज की हाइट भी आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कितनी लंबी चाहिए, है ना, कि कितनी लंबी चाहिए, तो 500 पिक्सल मैंने यहाँ पे दे देता हूँ, तो 500 पिक्सल दे दी। इसको मैं डबल कोट के अंतर्गत लिख देता हूँ। वहीं पे इसकी विड्थ की बात करूँ, यानी कि चौड़ाई की बात करूँ, विड्थ चौड़ाई भी दे देता हूँ इज इक्वल टू, और विड्थ यदि चौड़ाई की बात करूँ तो इसको मैं 1000 px कर देता हूँ पिक्सल, और इस टैग को जो है क्लोज कर देता हूँ। आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने इमेज को क्लोज नहीं किया है, आप देख सकते हो सिर्फ एक ही बार बस यूज किया है, इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से आप इमेज को इंपोर्ट करा सकते हो, तरह तरह के एट्रीब्यूट लगा करके उसमें और छिड़कानी कर सकते हो। अब इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, कितनी मस्त एकदम यहाँ पे जो है इमेज इंपोर्ट हो चुकी है ना आपके सामने। इस तरह से एक इमेज को इंपोर्ट किया जाता है। अच्छा, अल्टर का यहाँ पे यूज अभी नहीं हुआ, इमेज में हम थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं, इसका सोर्स जो है वो हम गलत कर देते हैं, इमेज की जगह पर नाम हम दूसरा कर देते हैं, तो ये लोड ही नहीं होगी, तो जो है सर्वर से इंपोर्ट ही नहीं होगी, तो ये बता देगा कि एरर है, देखो ऊपर लिख कर आ गया। इसीलिए हम अल्टर का यूज करते हैं, समझ गए होगे, बहुत अच्छे से समझ गए। तो अब हम यूज करने वाले हैं एंकर टैग का। एंकर टैग की बात करें तो ये दरअसल एंकर, तो AHREF एंकर टैग है ये, ठीक है। और ये HREF जो है वो उसका क्या है टैग। तो HREF, अब यहाँ पे एक वेबसाइट का दे देते हैं लिंक, तो www.youtube.com/c/innovate-india, ये दरअसल URL को लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये देखिए मैंने URL पास किया, हाइपर रेफरेंस इसका मतलब है HREF जो एट्रीब्यूट यूज किया गया है, और इस वेबसाइट को मैंने बंद किया, और हाँ ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ बंद। तो अभी आपने क्या देखा, ये जो मैंने पूरा जो है टैग का यूज किया, ए टैग का यूज किया, जिसमें मैंने एक एट्रीब्यूट देकर इसमें एक्स्ट्रा मैंने काम कर दिया, और फिर मैंने एक URL पास किया जो ओपन हो जाया करेगा, तो इसको इस टैग को बंद भी करना पड़ेगा, ठीक है। बंद कर दिया, रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है, और मैं अपना इंटरनेट यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ ताकि जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो दिख जाए, और हाँ अब मैं देखता हूँ।
ये अभी रन नहीं किया है दरअसल। हाँ समझ गया, ये दरअसल 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 मैं आपको बताता हूँ, फार ओपन, ये आपको कंटेंट देना पड़ेगा जो आपको स्क्रीन पर शो करेगा जब आप लिंक पे क्लिक करोगे। फार ओपन यूट्यूब चैनल, ये कंटेंट आपको पास करना पड़ेगा। उसके पास चार्ज सेव कर दो, और सेव करने के बाद यहाँ पे ये देखिए लिखकर आ गया फार ओपन यूट्यूब चैनल। अब इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, आप देखिए मैं यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं यूट्यूब पे चला जाता हूँ, ठीक है, यूट्यूब पर मैं यहाँ पे गया, और यूट्यूब पर जाते ही यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ इनोवेट इंडिया, ठीक है, तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं, और यहाँ पे जो है ये जो यूआरएल हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे जा करके, और फिर देखते हैं ये ओपन होता है या नहीं। यूआरएल आपको यहाँ पे हाइपर रेफरेंस में आपको दे देना है, तो एक यूआरएल को आप यहाँ पे ओपन करवा सकते हो। और इसको मैं सेव कर लेता हूँ, सेव करने के बाद अब मैं जाता हूँ उसी पेज पे, और यहाँ पे इसको मैं कट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो इसने जो है मेरे चैनल को ओपन कर देगा, तो देखिए उसी को ओपन कर दिया। अभी बैक जाता हूँ तो फिर वहीं पे ले आएगा। तो ये होता है, इस तरह से काम किया जाता है। साथ ही में मैं आपको कुछ और इसकी एट्रीब्यूट के बारे में जानकारी दे देता हूँ जो मुझे सही लगती है। तो आप एक टारगेट समझ लीजिए, टारगेट का काम क्या होता है, पैरेंट ब्लैंक क्या होता है। यदि आप इसमें टारगेट और लगा देते हो, टारगेट और ब्लैंक कर देते हो, तो देखिएगा क्या फर्क पड़ता है। और इसको जो है इस पे डबल कोट के अंतर्गत रख दियो, तो मैंने रख दिया। सेव करता हूँ, रन करता हूँ, रन रन, तो यहाँ पे जो है टारगेट मैंने दे दिया। तो इस तरह से टारगेट यदि आप लगा दोगे तो एक बार क्या होगा कि आपके पेज पर ही ओपन हो जाएगा, जबकि एक बार एक नया टैब को ओपन करके ओपन करेगा, यानी कि उसी पेज पर आपको ओपन नहीं करेगा। तो यदि आप टारगेट का यहाँ पे यूज कर लेते हो, ठीक है, तो टारगेट का यूज भी आप कर सकते हो। तो टारगेट देखिए, टारगेट लिख करके यहाँ पे ब्लैंक और यहाँ पे यदि आप इसको हटा करके पैरेंट करोगे तो जो है ये एक नए पेज पे आपको ओपन कर देता है वेबसाइट को, बल्कि उसी पेज पर ओपन नहीं करता है। इस तरह से आप जो है यूज कर सकते हो। और यहाँ पे जो ये एक फॉल्ट हो रही थी जिसको यहाँ पे सही कर लेते हैं। और यहाँ पे जो है इस टैग को जो है ए टैग को यहाँ पे क्लोज करना ठीक रहेगा। अब जो हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट टैग होता है, जो पूरी रामायण लिखी है वो इतने में लिखी है, फिर हमने यहाँ पे कंटेंट प्रदान किया, उसके बाद इस टैग को क्लोज कर दिया। सेम चीज को मैं यहाँ पे पैरेंट, अब देखिए टारगेट जो है हमारा पैरेंट है, ब्लैंक नहीं है, देखते हैं क्या होता है इससे। और पावर ओपन यूट्यूब चैनल, तो यहाँ पे इसी पेज पे ओपन कर दिया इसने, जबकि यदि हम यहीं पे यूज करेंगे ब्लैंक का, तो ब्लैंक से देखिएगा क्या होगा कि एक नए पेज से ओपन करेगा हमको, मतलब उसी पे नहीं कर देगा। तो ये ब्लैंक का छोटा सा यूज देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम आप देखिए, जब हमने ओपन किया तो ये नए पेज से हमें ओपन किया, ना कि उसी पेज से ओपन किया। तो ये एक फर्क होता है ब्लैंक और पैरेंट का, तो ये आपने समझ लिया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या देखते हैं, अब हम देखेंगे लिस्ट टैग्स। तो लिस्ट टैग्स का क्या काम होता है, लिस्ट टैग्स, तो लिस्ट टैग को भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। लिस्ट दरअसल जो है लिस्ट, तीन लिस्ट जो है हम चार तरीके से यहाँ पे देखेंगे। तो एक हम देखेंगे ऑर्डर लिस्ट, एक देखेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक देखेंगे डिफिनेशन लिस्ट, एक देखेंगे नेस्टेड लिस्ट। सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं, मतलब एक लिस्ट का ये टाइप है। तो इसमें आप ऑर्डर लिस्ट यानी कि एक ऑर्डर में एक नंबर बाई नंबर से लिस्ट लिखी जाएगी। तो चूंकि ऑर्डर लिस्ट नाम है तो ओएल लगेगा, उसके बाद एक एट्रीब्यूट आपको देना पड़ेगा, तो टाइप इसका दे दीजिए, इक्वल का चिन्ह लगा दीजिए, और यहाँ पे डबल कोट के अंतर्गत आप यहाँ पे तरह तरह की चीज़ों का, जैसे मैंने वन का भी यूज किया है इस डबल कोट के अंतर्गत। अभी मैं आपको सारे कोट बता दूंगा ताकि आप अपने तरफ से जैसा आज बनाना चाहो बना सकते हो। मैं यहाँ पे एल आई
अभी यहाँ पे मैं आपको और सी बता दूँ, ये ओएल जो है, ओएल एक टैग तो है ही, ठीक है, ओएल एक टैग है, और वहीं पे मैंने एलआई का यूज किया। एलआई का काम होता है लिस्ट बनाना, ठीक है ना, किसी भी चीज की लिस्ट बनाना। तो चूंकि हम एक ऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं, तो उसमें हमें लिस्ट की भी जरूरत पड़ेगी, यानी कि क्रमिक लिस्ट बना रहे हैं तो लिस्ट की भी जरूरत पड़ती है। तो एलआई का हमने यूज कर लिया, ये एलआई टैग है, इसको क्लोज करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ये चीज याद रखना। ओएल को भी क्लोज करने की जरूरत हमें पड़ेगी। तो लिस्ट के अंतर्गत हम लिख लेते हैं कुछ भी कॉपी। तो अभी देखते रहिए, आपको समझ आ जाएगा, बस मुझे लिख देने दीजिए, फिर मैं आप पे फिर एक लिस्ट बना लेता हूँ। मतलब लिस्ट के अंतर्गत चूंकि मैं लिख रहा हूँ, ये मैं लिस्ट बना रहा हूँ, तो मैं वही इसी तरीके से बार बार इसका ओपन करूंगा, क्लोज करूंगा। तो यहाँ पे मैंने कॉपी और टी जो है लिस्ट के अंतर्गत लिखी, तो ये लिस्ट बनाएगा। फिर मैंने एलआई का यूज किया, फिर मैं एक कुछ लिख देता हूँ, तो इस बार मैं मिल्क लिख देता हूँ, और यहाँ पे जो है इसको भी क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए मैंने सारा कुछ कर लिया है, अब देखिए मैं किस टैग को क्लोज करूँ, ओएल टैग को क्लोज करूँ। ओएल टैग को मैंने क्लोज किया, और अब इसको सेव करता हूँ, ठीक है, सेव करता हूँ, सेव करता हूँ, और यहाँ पे इसको रन करता हूँ। तो यदि आप यहाँ पे देखोगे कि 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, तो यहाँ पे देख सकते हो कि 1 2 3 में क्रमिक क्रम से ऑर्डर से लिस्ट में लिख करके यहाँ पे आ गया है, ठीक है, ऑर्डर में एक तरीके से। यहीं पे यदि टाइप की जगह में जो मैंने वन किया उसकी जगह पे यदि आप कैपिटल ए करोगे, तो उसमें कुछ और तरीके से लिस्ट आपकी प्रिंट होगी। देखिएगा, सबके मैं बता देता हूँ, ए बी सी में आया, फिर मैं यदि ए की जगह पे स्मॉल ए की प्रयोग करते हैं, फिर मैं यहाँ पे ए बी सी का देखिए जो है स्मॉल में लिख करके आ गया, ठीक है। फिर यदि मैं यहाँ पे बड़ी आई कैपिटल आई का उपयोग करता हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा एक अलग लिस्ट बनेगी, तो यहाँ पे रोमन अंक में बन चुकी है। जबकि जबकि यहाँ पे मैं छोटी आई का उपयोग करूंगा, स्मॉल आई का उपयोग करूंगा, तो यहाँ पे जो ऑर्डर लिस्ट हमारी होगी वो रोमन नंबर जो हमारे हैं वो छोटे बनेंगे। समझ गए आप, ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, यानी कि क्रम होता है, ठीक है, ऐसे नहीं कहरे गहरे नत्थु कहरे चले जाए। तो ये हो गई हमारी ऑर्डर लिस्ट। अब हम देखेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो हम अनऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है वो हमारी यूएल से चलती है, और यूएल से ही क्लोज होती है, ये यूएल से क्लोज हो गई, सारा कुछ वही रहेगा माजरा। बस यहाँ पे जो है इसमें जो है टाइप की जगह पर जो स्टाइल है वो लगेगी, तो उसके भी इसमें भी इतनी जरा प्रकार है, इसमें जब नंबर से नहीं डिनोट किया जाता है, दरअसल इसमें स्टाइल से आता है, तो इसलिए मैं स्टाइल का उपयोग कर स्टाइल का यहाँ पे उपयोग होगा, और लिस्ट स्टाइल टाइप का लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप, ठीक है, लिस्ट स्टाइल टाइप। और यहाँ पे हम यहाँ पे सर्कल लिखेंगे, सर्कल वृत्त, और यहाँ पे सेव करते हैं। आपने यहाँ पे क्या देखा, सिर्फ चेंज इतना हुआ है कि यहाँ पे जो टैग है वो यहाँ पे अनऑर्डर्ड टैग है, और बाकी सब वही है, अनऑर्डर्ड टैग है, लेकिन इस बार जो लिस्ट में जो है लिस्ट तो बनेगी लेकिन वो अनऑर्डर्ड होगी, फर्क मैं आपको बता दूंगा अभी। स्टाइल यहाँ पे प्रयोग हुआ है, टाइप नहीं प्रयोग हुआ है। फिर उसके बाद मैंने लिस्ट स्टाइल टाइप का उपयोग किया, उसके बाद यहाँ पे जिस तरह की लिस्ट देखनी है मुझे सर्कल में लिस्ट देखनी है, देखिएगा किस तरह से बनेगी। सेव किया और देख लीजिए पहले कैसा है, आप कैसा होगा। तो यहाँ पे एक सर्कल बन के आ गए, कॉफी टी मिल्क, देख सकते हो आप। सर्कल मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए डिस्क, तो डिस्क भी देख लो कैसा बनती है। डिस्क सेव करता हूँ और रन करता हूँ, तो देखो डिस्क कैसे होते हैं, तो ये ऐसी बिंदुकियां जैसी बनकर आ जाती है, डिस्क हो गया। अब स्क्वायर देख लेते हैं, स्क्वायर स्क्वायर, तो अब यहाँ पे जो है वर्ग बन जाएगा, ये लो स्क्वायर बन गए, ठीक है। कुछ नहीं आपको चाहिए तो नन कर दो, नन नन, तो यहाँ पे नन हम करेंगे, इसको सेव करेंगे और रन करेंगे, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं, नन आ जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं लिस्ट में टाइप होगा, स्टाइल होगी। अब हम यहाँ पे दूसरी तरीके की लिस्ट देख लेते हैं, जिसका नाम है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट बहुत ही हमारी सिंपल होती है, इसमें ये कुछ भी बकवास नहीं है। डेफिनेशन लिस्ट जैसे कि आप समझ ही रहे होंगे, किसी की परिभाषा बतानी, किसी को डिफाइन करना है, किसी की परिभाषा बतानी है, तो डेफिनेशन लिस्ट का उपयोग किया जाता है। डेफिनेशन लिस्ट में जैसे मान लीजिए डेफिनेशन लिस्ट, तो यहाँ पे डीटी, देखिए जिसकी डेफिनेशन आपको बतानी है तो यहाँ पे डीटी कर दो, ठीक है, और यहाँ पे
अभी आपको समझ आ जाएगा, मुझे लिख लेने दीजिए। दरअसल पहले नहीं समझ आता, जब पूरी कोडिंग हो जाती है तब सबके समझ आ जाता है। उसके बाद अब कॉपी की मैं आपके डिफिनेशन करूंगा। तो कॉपी को मैंने डीटी से बताया, जबकि कॉपी की जो डिफिनेशन होगी वो मैं डीडी से बताऊंगा, डीडी टैग, ठीक है। और कॉपी की देखिए जिसकी डिफिनेशन है उसको हम डीटी से बताएंगे, और जिस जब हम कॉपी की डिफिनेशन लिखेंगे वो हम डीडी टैग के अंतर्गत लिखेंगे। तो ब्लैक हॉट ड्रिंक मैं लिख देता हूँ। मतलब डिफिनेशन क्या है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि कॉपी के अंतर्गत जो मैं लिखना चाहता हूँ वो ब्लैक हॉट ड्रिंक लिखना चाहता हूँ, ठीक है। और फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं एक दूसरा लिस्ट जो है ये डेफिनेशन लिस्ट है, इसलिए यहाँ पे कॉपी के अंतर्गत मैं ब्लॉक हॉट ड्रिंक लिखना चाहता हूँ। फिर मैं एक नेक्स्ट बना लेता हूँ जिसका डीटी मैंने नाम रखा, और फिर उसके अंतर्गत भी कुछ भी मैं लिखूंगा। फिर मैं डीटी का यूज कर देता हूँ। डीटी का यूज करने के बाद अब मैं मिल्क ही रखते हैं, ठीक है। अब मिल्क की हम यहाँ पे कुछ लिखना चाहेंगे मिल्क के लिए, तो वो ये क्या हो गया, हाँ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे डीडी, और यहाँ पे डीडी डीडी का यूज किया। अब मिल्क के अंतर्गत मैं अभी जब ये लिखेगा तब आपको समझ आ जाएगा, ब्लैक वाइट वाइट हॉट ड्रिंक, और इसको बंद कर देते हैं। और ये जो नीचे वाला जो यहाँ पे है इसको भी डीएल के अंतर्गत, अब आप समझिएगा मेरी बात को, आप पूरा लिख गया समझिए मैंने यहाँ पे किया गया। मैंने एक डीएल टैग ओपन किया जिसका मतलब होता है डेफिनेशन लिस्ट लिस्ट के लिए टैग है, उसी को देखिए यहाँ पे क्लोज किया है। फिर ये जो है पूरा माजरा यहाँ पे लिखा है, हमने यहाँ पे कॉपी की मैं डिफिनेशन देना चाहता हूँ, कॉपी के अंतर्गत कुछ लिखना चाहता हूँ, तो जो जिसके अंतर्गत मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ, कॉपी के लिए मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ, उसको हमें डीटी टैग के अंतर्गत रखना पड़ेगा। जब उसकी जिसको परिभाषा बता रहे हैं फिर हमें डीडी टैग के अंतर्गत लिखना पड़ेगा। फिर मैं मिल्क के अंतर्गत कुछ लिखना चाह रहा हूँ, डीटी टैग अगेन यूज होगा। फिर मैं मिल्क के अंतर्गत कुछ लिखना चाह रहा हूँ, डीडी टैग यूज किया, सेव किया, रन करते हैं, देखते हैं क्या दुनिया का माजरा तेजी से चल रहा है। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो कॉफी के अंतर्गत ब्लैक हॉट ड्रिंक, ठीक है, कॉफी के अंतर्गत क्या लिख किया गया, ब्लैक हॉट ड्रिंक। मिल्क के अंतर्गत क्या लिख किया गया, हॉट वाइट हॉट ड्रिंक। ये होती है हमारी डेफिनेशन लिस्ट, ऐसे बनती है, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारी नेस्टेड लिस्ट।